हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप ऑल इज़ वेल। हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस इन लॉकडाउन ड्यू टू कोविड-19? होप ऑल आर एंजॉयिंग योर लाइफ, ए न्यू फेस ऑफ लाइफ। एवरी वन फेसिंग ए न्यू जोन, न्यू काइंड ऑफ लाइफ नाउ डेज। सो स्टे एट होम एंड स्टे सेफ स्टूडेंट्स, राइट? डोंट फाइट विद योर सिबलिंग्स, डोंट डिस्टर्ब योर पेरेंट्स, and also keep on focusing your studies. Try to learn new techniques, new skills, just like your music, sing, you can dance, you can art and craft, use your artistic skills, right? And next, I would like to thank all the new subscribers on my video. Your subscription works as a motivation towards our work, right? So we are here with our new video on volleyball. Volleyball for class 12th, it will help you as a practical topic, and otherwise it will help you in the GK of games and sports, so that you can participate in any quiz, any contest or anywhere else, right? So without wasting any time, let's start our topic, volleyball, right? So volleyball consists two words, volley plus ball, right? तो मीनिंग ऑफ बॉल वॉली, मीनिंग ऑफ वॉलीबॉल, मीनिंग ऑफ वॉली, वॉली इज़ अ प्रोसेस इन विच वी यूज टू हिट एनी ऑब्जेक्ट विदाउट परमिटेड इट टू लैंड। जमीन पे गिरने से पहले किसी चीज़ को अगर कॉन्टीन्यूसली हिट किया जाए तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? वॉली। वॉली क्या है? वॉली एक प्रोसेस है जिसमें हम किसी ऑब्जेक्ट को जमीन पे गिरने से पहले ही इसको एयर में ही हिट करते रहते हैं। तो इस गेम में वो ऑब्जेक्ट क्या है? बॉल। तो गेम का नाम क्या हो गया? वॉलीबॉल। वॉली क्या मीनिंग क्या होता है? वॉली वो प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड में गिरने से पहले, टच होने से पहले उसको हिट कर देते हैं एयर में ही। तो वो ऑब्जेक्ट इस गेम में क्या है? बॉल। इस गेम में बॉल वो ऑब्जेक्ट है, तो टॉपिक क्या हो गया? वॉलीबॉल। इसलिए इस गेम को क्या कहते हैं? वॉलीबॉल। क्लियर? नेक्स्ट है डायमेंशन और डायग्राम। तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डायग्राम, डायमेंशन ऑफ वॉलीबॉल, राइट? तो लेंथ ऑफ कोर्ट इज 18 मीटर, राइट? विड्थ ऑफ कोर्ट 9 मीटर, राइट? हाइट ऑफ पोल 2.55 मीटर, वेट ऑफ बॉल यानी कि वॉलीबॉल, वेट ऑफ बॉल 260 to 280 ग्राम, राइट? सरकमफ्रेंस ऑफ बॉल, सरकमफ्रेंस ऑफ बॉल इज 65 to 67 सेंटीमीटर, राइट? नंबर ऑफ प्लेयर्स इज 12 एंड नंबर ऑफ प्लेइंग मेंबर्स इज 6, यानी कि वॉलीबॉल में टोटल नंबर ऑफ प्लेयर 12 होते हैं। पार्टिसिपेटिंग कितने होते हैं? एक टीम एक टाइम में कितने खेलते हैं? 6 प्लेयर खेलते हैं, राइट? यहाँ तक क्लियर हो गया? एक बार चेक कर लीजिए आप। ये 280 ग्राम है, ये 260 ग्राम है। लेंथ ऑफ कोर्ट 18 मीटर, विड्थ ऑफ कोर्ट 9 मीटर, हाइट ऑफ बॉल 2.55 मीटर, विड्थ ऑफ बॉल 262 सॉरी वेट ऑफ बॉल 262 to 280 ग्राम, सर्कमफ्रेंस ऑफ बॉल 65 to 65 सेंटीमीटर, 67 सेंटीमीटर, नंबर ऑफ प्लेयर्स 12, नंबर ऑफ प्लेइंग मेंबर्स आर 6, राइट? तो मैं इसको रब कर देता हूँ। नाउ लेंथ ऑफ नेट इज
9.50 मीटर। नेट की लेंथ कितनी होती है? 9.50 मीटर। विड्थ ऑफ नेट इज 1 मीटर। साइज ऑफ स्क्वायर 10 × 10 सेंटीमीटर। जो नेट होता है कुछ ऐसा होता है आपका, तो ये जो साइज है ये कितना होगा सबका, नेट में जो ब्लॉक बने होते हैं उसका साइज कितना होता है? 10 × 10 सेंटीमीटर, राइट। नाउ डायगोनल ऑफ हाफ कोर्ट इज 12.72 मीटर एंड डायगोनल ऑफ फुल कोर्ट इज 20.12 मीटर, राइट। लेंथ ऑफ नेट 9.50 मीटर, विड्थ ऑफ नेट 1 मीटर, साइज ऑफ स्क्वायर 10 सेंटीमीटर, डायगोनल ऑफ हाफ कोर्ट 12.72 मीटर एंड डायगोनल ऑफ फुल कोर्ट इज 12.12 मीटर, राइट। एक बार देख लीजिए इसको आप, क्लियर है यहाँ तक? इसको रब कर देते हैं। अब है हाइट ऑफ नेट, फोर मेन हाइट ऑफ नेट 2.43 मीटर। मेंस के लिए नेट की हाइट ग्राउंड से कितनी होगी? 2.43 मीटर। एंड हाइट ऑफ नेट फॉर विमेन इज 2.24 मीटर। यही एक डिफरेंस होता है पूरे वॉलीबॉल में, हाइट ऑफ नेट फॉर विमेन 2.24 मीटर और हाइट ऑफ नेट फॉर मेन इज 2.43 मीटर। बाकी कोर्ट की डायमेंशन सेम होती हैं फॉर गर्ल्स एंड बॉयज, फॉर मेल एंड फीमेल, फॉर मैन एंड वीमेन, क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद आपके पास है चेस्ट नंबर, जर्सी नंबर। आपने नोट किया होगा स्पोर्ट्स में जो भी प्लेयर अपनी टी शर्ट डालता है, कोई स्वेटर डालता है, उस पर एक नंबर लिखा होता है ना? तो वॉलीबॉल में वो नंबर कितने होते हैं? 1 to 18। एक टीम में कितने प्लेयर होते हैं? 12। तो वो 12 प्लेयर 1 से लेके 18 तक का कोई भी नंबर चूज कर सकती है, राइट। उससे अलग कोई नंबर नहीं होगा 1 से 18, और ना ही कोई नंबर रिपीट होगा। उसके बाद कैप्टन, वॉलीबॉल में कैप्टन की क्या पहचान होती है? उसका जर्सी नंबर अंडरलाइन होता है, क्लियर। जो भी उसका नंबर होगा, मान लो उसने एक नंबर की जर्सी डाली हुई है, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो एक नंबर की डालेगा, वो 1 से 18 में कोई भी नंबर डाल सकता है, लेकिन उसका जो चेस्ट नंबर है वो अंडरलाइन होगा फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैप्टन। वॉलीबॉल में कैप्टन की क्या पहचान होती है? खेलते हुए कैसे पहचान सकते हैं बिना किसी से पूछे? उसका जर्सी नंबर क्या होगा? अंडरलाइन होगा, राइट। एक बार देख लीजिए आप इसको, चले नेक्स्ट। अब है आपके पास डिस्टेंस बिटवीन सेंटर लाइन एंड अटैक लाइन। ये हम लोग डायमेंशन डायग्राम में सॉल्व करेंगे, पहले आप नोट कर लीजिए। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर लाइन एंड अटैक लाइन बोथ साइड, दोनों कोर्ट में कितनी होती है? 3 मीटर। एंड डिस्टेंस बिटवीन अटैक लाइन एंड एंड लाइन, ENDE, एंड लाइन इज 6 मीटर। बोथ कोर्ट दोनों साइड तरफ, सेंटर से अटैक लाइन की दूरी कितनी होती है? 3 मीटर दोनों तरफ, और
एंड लाइन की दूरी सेंटर अटैक लाइन से कितनी होती है 6 मीटर, राइट। एक बार चेक कर लीजिए आप, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर लाइन एंड अटैक लाइन इज 3 मीटर एंड डिस्टेंस बिटवीन अटैक लाइन एंड ए एंड डी एंड लाइन इज 6 मीटर। करते स्कोर अब, अब है आपके पास डायग्राम। डायग्राम की बात करते हैं, कुछ फिर बाद में बात करेंगे। लेंथ ऑफ अटैक, लेंथ ऑफ कोर्ट कितना था 18 मीटर, तो फॉर एग्जांपल ये 18 मीटर हो गया। विड्थ ऑफ कोर्ट कितना था 9 मीटर, तो इसको मिला लेते हैं एक बार, राइट। ये कितना है, लेंथ ऑफ कोर्ट इज 18 मीटर, विड्थ ऑफ कोर्ट इज 9 मीटर, सेंटर लाइन फॉर एग्जांपल यहाँ पर है, तो ये हाफ कोर्ट हो गया, हाफ कोर्ट और हाफ कोर्ट, तो हाफ कोर्ट की लेंथ कितनी होगी 9 मीटर। राइट, ऐसे ही 9 मीटर हो गया था, और 9 मीटर इसकी विड्थ होगी, तो फुल कोर्ट की लेंथ कितनी होती है 18 मीटर, विड्थ कितनी होती है 9 मीटर। हाफ कोर्ट का क्या होता है, 9 मीटर लेंथ होती है और 9 मीटर ही विड्थ होती है, राइट। उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था, अटैक लाइन। अटैक लाइन मान लीजिए ये है दोनों तरफ, तो अटैक लाइन से ये सेंटर लाइन है, ये कितना है 3 मीटर बोथ साइड, ठीक है। और ये अटैक लाइन है, ये एंड लाइन है, एंड लाइन से अटैक लाइन की डिस्टेंस कितना हो गया 6 मीटर। एक बार चेक कर लीजिए आप, 18 मीटर लेंथ है, 9 मीटर विड्थ है, हाफ कोर्ट 9 मीटर का हो गया, ये सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन से अटैक लाइन की दूरी 3 मीटर दोनों तरफ और 6 मीटर डिस्टेंस बिटवीन अटैक लाइन एंड एंड लाइन बोथ साइड। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको, एक बार चेक कर लीजिए आप। ठीक है, उसके बाद क्या है, वॉलीबॉल में ग्राउंड में कुछ जोन होते हैं, 1, 6, 5, 4, 3, 2, ये जर्सी नंबर नहीं है, ये कोर्ट में जोन होता है, 1 नंबर जोन, 6 नंबर जोन, 5 नंबर जोन, 4, 3, 2, 1 नंबर जोन, ठीक है, ऐसे इस तरफ होता है 1, 6, 5, 4, 3, 2, ठीक है। अब क्या होता है, इसमें एक रूल होता है वॉलीबॉल में, रोटेशन। रोटेशन जो होती है दो तरह की होती है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो वॉलीबॉल में रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज होती है। वॉलीबॉल में रोटेशन कैसे होती है, क्लॉकवाइज, है ना, बट क्लॉक में एक के बाद दो होता है, फिर तीन होता है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक के बाद 6 बज रहे हैं, अगर इसको घड़ी माने 6 के बाद 5 बज रहे हैं, रिवर्स चल रहा है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। तो क्वेश्चन क्या है, वॉलीबॉल में रोटेशन कैसी होती है, इसका कंप्लीट आंसर क्या है, वॉलीबॉल में रोटेशन क्लॉकवाइज होती है बट प्लेसमेंट ऑफ प्लेयर एंटी क्लॉकवाइज होती है। ये पूरा ही आंसर ठीक होगा, आधा आंसर ठीक नहीं माना जाएगा, ठीक है। वॉलीबॉल में रोटेशन क्लॉकवाइज होती है बट प्लेसमेंट ऑफ प्लेयर एंटी क्लॉकवाइज होती है, राइट। अब ये है कि ये रोटेशन कब होगी और कब नहीं होगी। फॉर एग्जांपल ये कोर्ट ए है, ये कोर्ट बी है, ये सेंटर लाइन आपकी, ठीक है, यहाँ पे नेट होता है, नेट ये पोल होते हैं, यहाँ पे नेट बंधा होता है आपका। तो मान लीजिए ए टीम ने सर्विस की और पॉइंट भी ए टीम को ही मिला, तो कोई भी टीम रोटेशन नहीं करेगी। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, जब ए टीम ने सर्विस की और पॉइंट भी ए टीम को ही मिला है तो दोनों में से कोई टीम रोटेट नहीं करेगी। अब मान लीजिए ए टीम ने सर्विस की और बी टीम को पॉइंट मिला है, तो बी टीम पहले सर्विस करने से पहले रोटेट करेगी, जो 2 नंबर जोन का प्लेयर था 1 नंबर जोन पे आएगा वो प्लेयर सर्विस करेगा। सर्विस चेंज होने पर सर्विस करने से पहले सर्विस करने वाली टीम रोटेशन करेगी और रोटेशन करने के बाद जो 1 नंबर जोन पे प्लेयर आएगा नया
वो प्लेयर उसको सर्विस को एग्जीक्यूट करेगा। क्लियर है यहाँ तक बात? एक बार देख लीजिए इसको आप, ठीक है। इसको हम रब कर दें, डायगनल मैंने बताया था आपको, डायगनल यहाँ से अगर ये है तो ये 12.72 मीटर है, और अगर फुल कोर्ट का देखना है हमने तो कितना है 13.12 मीटर। क्लियर है यहाँ तक? अब वापस थोड़ा डायमेंशन पे आते हैं, कुछ डायमेंशन रह गई थी हमारी। बेसिकली एज पर नॉर्म्स वॉलीबॉल इज एन इंडोर गेम। वॉलीबॉल कौन सी गेम है? इंडोर गेम है, बट कहीं पे कई जगह पे हम लोग बाहर भी आउटडोर भी खेलते हैं, बट अगर नॉर्म्स की बात की जाए तो नॉर्म्स में क्या आएगा? वॉलीबॉल इज एन इंडोर गेम, राइट। अब है लिब्रो प्लेयर। लिब्रो प्लेयर पहले टोटल नंबर ऑफ प्लेयर कितना है हमारे पास एक टीम में? 12। एक लिब्रो कंसेप्ट होता है वॉलीबॉल में, लिब्रो को मिलाकर 12 प्लेयर होते हैं, लिब्रो को अलग से काउंट नहीं करते। 12 प्लेयर में से ही कोई एक प्लेयर एज ए लिब्रो प्लेयर खेलेगा। सबसे पहले एक टीम आपकी, मान लीजिए टीम आपकी है, ए टीम है, ए टीम किसी कॉम्पिटिशन में खेलने गई है, तो ए टीम को पहले ही ये नोटिस कराना होगा जजेस को, रेफरीज को, या जहाँ पे एंट्री वो करवा रहे हैं, कि एक नंबर प्लेयर या दो नंबर प्लेयर, कोई भी प्लेयर इन 12 में से लिब्रो प्लेयर खेलेगा। पहले अगर आपने इन्फॉर्मेशन नहीं दी है तो ड्यूरिंग मैच आप लिब्रो प्लेयर इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो 12 में से एक प्लेयर एज ए लिब्रो प्लेयर होगा। अब लिब्रो प्लेयर की क्या है? लिब्रो प्लेयर की यूनिफॉर्म जो है, जो स्पोर्ट्स किट है, वो सेपरेट कलर की होगी। जो 12 प्लेयर एक टीम में होते हैं उनकी एक सेम ड्रेस होती है, आपने नोटिस किया होगा हर गेम की अलग, एक जैसे सभी प्लेयर एक जैसे यूनिफॉर्म डालते हैं, बट अगर लिब्रो प्लेयर कोई खेल रहा है वॉलीबॉल में तो उसकी यूनिफॉर्म अलग होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? लिब्रो प्लेयर अटैक नहीं करेगा, सर्विस नहीं करेगा। लिब्रो प्लेयर कभी भी अटैक नहीं करेगा और ना ही वो सर्विस करेगा। लिब्रो प्लेयर खेलता कहाँ है? जो हमने पीछे पढ़ा था ना, 6 मीटर का जोन था, सेंटर लाइन अटैक लाइन से एंडर लाइन के बीच का एरिया जो होता है उसको डिफेंस जोन बोलते हैं, और 3 मीटर के बीच के एरिया को, सेंटर लाइन और अटैक लाइन के बीच के एरिया को अटैकिंग एरिया बोलते हैं। तो जो लिब्रो प्लेयर है वो हमेशा डिफेंस जोन में खेलेगा, और वो कभी भी रोटेशन, जब रोटेशन होगी, दोबारा डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पे एक बार, ये सेंटर लाइन है आपकी, ये आपकी फॉर एग्जांपल अटैक लाइन है, ठीक है, ये 1, 6, 5, 4, 3, 2। तो लिब्रो प्लेयर हमेशा आपका इस जोन में और इस जोन में खेल सकता है। मान लीजिए लिब्रो प्लेयर यहाँ खेल रहा है और रोटेशन हुई, तो रोटेशन करके लिब्रो प्लेयर चार नंबर प्लेयर जगह, चार नंबर प्लेस पे नहीं आएगा, वो यहाँ से रिप्लेस होगा, वो बाहर आ जाएगा और दूसरा प्लेयर यहाँ पे आके रोटेशन को क्लब करेगा, फिर दोबारा लिब्रो प्लेयर अंदर आ सकता है। लिब्रो प्लेयर का सब्स्टिट्यूट नंबर ऑफ फ्री है, एक लिब्रो प्लेयर एक मैच कितने भी बार ग्राउंड से बाहर जा सकता है और कितने भी बार ग्राउंड के अंदर आ सकता है खेलने के लिए। तो कभी भी लिब्रो प्लेयर इस एरिया में नहीं खेलेगा, नहीं, और ना ही वो लिब्रो प्लेयर में एंटर करेगा। अगर रोटेशन यहाँ पे खेल रहा है फॉर एग्जांपल, वो रोटेशन हुई या किसी वजह से यहाँ पे खेल रहा है वो, अगर यहाँ पे आया तो पहले ये लिब्रो बाहर जाएगा, दूसरा प्लेयर आके रोटेशन करेगा। अगर आप रोटेशन फॉल्ट भी होता है, अगर आपकी टाइम थी रोटेशन कर दी, रोटेशन गलत हुई, तो आपको फॉल भी मिल सकता है, ठीक है। ये है लिब्रो प्लेयर। लिब्रो प्लेयर की यूनिफॉर्म अलग होती है, और ना वो अटैक करेगा ना ही वो सर्विस करेगा। ये भी कहा जाता है कि लिब्रो प्लेयर जो है बाकी प्लेयर की हाइट से छोटा होना चाहिए। क्यों छोटा होना चाहिए? ताकि वो डिफेंस को मजबूत कर सके। लिब्रो प्लेयर कब यूज़ किया जाता है? जब हमारी टीम का डिफेंस कमज़ोर हो रहा है तब हम लिब्रो प्लेयर को यूज़ करते हैं। वो बॉल को, इनकमिंग बॉल को ईजिली एडजस्ट करता है, ईजिली उसको सेट करता है, रिसीव करता है और बॉल को अटैक के लिए कन्वर्ट करता है, राइट। ये है लिब्रो प्लेयर। यहाँ तक एक बार देख लीजिए आप, यूनिफॉर्म अलग होगी बाकी यूनिफॉर्म टीम से, अटैक नहीं करेगा, सर्विस नहीं करेगा, ये आपका अटैकिंग एरिया है, इसमें आपका लिब्रो प्लेयर एंटर नहीं करेगा। अगर रोटेशन में आता है तो वो बाहर जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, दूसरा प्लेयर उसको सब्स्टिट्यूट करके रोटेशन करेगा कंप्लीट, और दोबारा फिर वो एंटर कर सकता है उसमें। अब है मैच पॉइंट। मैच पॉइंट इज 25।
25 के मैच होंगे या मैच टूर्नामेंट डिपेंड करता है कॉम्पिटिशन। बेस्ट ऑफ गर्ल्स के लिए ज़्यादातर बेस्ट ऑफ 3 होता है और बॉयज़ के लिए बेस्ट ऑफ 5 होता है। जो 5 में से 3 मैच विन कर जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो टीम का विनर हो जाएगा। एक होता है ड्यूस, ड्यूस में क्या होता है 25-25 बराबर हो जाते हैं। जब दोनों टीम के, ए टीम के और बी टीम के पॉइंट बराबर हो गए उसको बोलते हैं ड्यूस। तो ड्यूस कैसे ब्रेक होता है वॉलीबॉल में, लीड बाय 2। वैसे हर जगह ऐसी हर गेम में ऐसी ब्रेक होता है लीड बाय 2। एक टीम को कॉन्टीन्यूसली 2 पॉइंट लेने होंगे। फॉर एग्जांपल ए टीम ने 26 हो गए, यहाँ पे 25 थे, नेक्स्ट गेम स्टार्ट हुई तो यहाँ पे 26 हो गए, तो ये दोबारा फिर ड्यूस हो जाएगा। विन कैसे होगा, 27-26-28-26 यहाँ पे ये मैच ओवर होगा। फिर कॉन्टीन्यूसली किसी एक टीम को 2 पॉइंट लेने होंगे, तब क्या होगा ड्यूस ब्रेक हो जाएगा और रिजल्ट हमारे सामने आ जाएगा। राइट, कुछ मेजर फाउल जो है वॉलीबॉल के अंदर, सबसे पहला फाउल है कि आपका एक कोर्ट में वॉलीबॉल को 3 टच से बॉल को क्रॉस करना होता है। मान लीजिए एक नंबर प्लेयर है कोई, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, पहला हिट बॉल को इसने किया, अब एक कॉन्टिन्यूसली दूसरा हिट नहीं कर सकता, इनमें से कोई को करेगा, यहाँ पर इसने किया, अब तीसरा फिर ये कर सकता है। एक प्लेयर लगातार या कॉन्टिन्यूसली एक बॉल को 2 बार टच नहीं कर सकता है, ठीक है। नेट टच फाउल है, ठीक है जी। उसके बाद लेट सर्विस, लेट सर्विस क्या होती है, जब आपने सर्विस की बॉल नेट को टच होकर क्रॉस गया तो अब ये फाउल नहीं है, ओके है, ये पॉजिटिव है। राइट, उसके बाद वाइल प्लेइंग, अगर आप सेंटर लाइन को क्रॉस करते हो, तो ये फाउल होगा। राइट, नेक्स्ट है रोटेशन फाउल, गेम स्टार्ट होने से पहले आपको एक चार्ट मिलता है, उसमें आप अपने रोटेशन को भर के रोटेशन फील्ड को फिल करते हैं, ये प्लेयर यहाँ खेल रहा है, ये प्लेयर यहाँ खेल रहा है, 6 की 6 जोन प्री डिफाइंड होती हैं। अगर पूरी गेम में रोटेशन गलत हो जाती है तो रेफरी आपको फाउल देगा, आपको फाउल हो सकता है। राइट, उसके बाद है इसमें जी तो ये है आपका वॉलीबॉल टॉपिक आज का। अगर आपको कोई बात मिस हो गई है मेरे से तो आप कमेंट सेक्शन में आके मेरे से पूछ सकते हैं, आज जहाँ तक मुझे कोशिश लगता है कि पूरा हमारा कवर हो गया है, ओके। तो आप इसको अच्छे से देखें और समझें, और कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप कमेंट बॉक्स में आप मेरे से बात कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, बाय।